अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट का इस बीच एक बड़ा फैसला है। राज्य सरकार और लोक सेवा आयोग को बड़ा झटका लगा है। कृषि तकनीकी सहायकों के 6628 पदों की भर्तियां रद्द कर दी गई है। नए सिरे से डेटा इकट्ठा कर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई थी और इस वजह से ये प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से भर्ती में 66% तक आरक्षण को याचिका में चुनौती दी गई थी। सुनवाई पूरी होने के बाद 15 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसला दरअसल आया था और सुरक्षित रख लिया गया था। जस्टिस वीके शुक्ला और जस्टिस एमसी त्रिपाठी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश दिए। तो बड़ी खबर, 6000 से ज्यादा भर्तियां होने वाली थी लेकिन 66% तक आरक्षण इन भर्तियों में दी गई थी और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। अब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। और यूपी में पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाने हैं। इस बीच दूसरे और तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है उन सीटों पर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में पीएम मोदी बिजनौर में रैली को संबोधित करने पहुंचे। बिजनौर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जाट कार्ड खेला। मोदी ने कहा कि अगर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती है तो चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष बनाया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी ने अखिलेश और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि गूगल राहुल गांधी के चुटकुलों से भरा पड़ा है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में सरकार के खजाने से 500-700 हजार करोड़ रुपया निकाल करके हर जिले में चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष की रचना की जाएगी, ये मैं आज कहता हूं। भाइयों, ये दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन दो कुनबों का है, एक दिल्ली वाला कुनबा और एक सफाई वाला कुनबा। ये दो कुनबाई मिले हैं, दो कुनबा, और ये को दो कुनबा मिलकर के ये सोच रखते हैं कि राजपाट हमारी मालिकी का है, कोई सामान्य मान भी उसमें घुस नहीं सकता है। जब किसानों की बात आती है तो मैं ये तो समझ सकता हूं कि एक कुनबा ऐसा है जिस कुनबे को सपना है फैक्ट्री में आलू बनाने का। अब मुझे किसानों का क्या होगा, अब फैक्ट्री में आलू बनाने वाले हैं, वो आलू बनाने वाली फैक्ट्री लगाने वाले हैं। ऐसे कुनबे को जिसको ये मालूम नहीं है कि किसान अपना खून पसीना लगा करके आलू पैदा करता है, वो फैक्ट्री में आलू पैदा करने की बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों की सुरक्षा की बात आए तो यहां के मुख्यमंत्री मीडिया को गाली देते हैं। ये मीडिया वालों ने उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया, ये मीडिया वाले बातें उछालते हैं और उसके कारण उत्तर प्रदेश में यह कोई मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार का स्वयं का जो कानून व्यवस्था का रिपोर्ट है वो उस बात की गवाही नहीं है कि यहां आए दिन बहन बेटियों पर बलात्कार होते हैं। और इधर मायावती की भी दो रैलियां हुई हैं, मुरादाबाद और लखीमपुर खीरी में जनता को उन्होंने संबोधित किया है। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बीजेपी के पास सीएम का चेहरा पेश करने की हिम्मत ही नहीं है। वहीं अखिलेश सरकार में गुंडा राज पढ़ने का भी आरोप लगाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सपा सरकार उनकी योजनाओं का नाम बदलकर उन्हें अपना रही है, अपनी योजना बता रही है। वहीं उन्होंने मुस्लिम समाज से अपील करते हुए कहा कि सपा सरकार में वो सुरक्षित नहीं है। कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार अपने अधीन में चल रही देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी ठीक ढंग से संभाल नहीं सकती है, तो तब फिर ऐसी स्थिति में दिल्ली से भी कई गुना ज्यादा आबादी रखने वाले यहाँ अपने उत्तर प्रदेश की वर्तमान में अति खराब व दयनीय हालत में चल रही कानून व्यवस्था को भला इस पार्टी की सरकार यहाँ कैसे संभाल सकती है। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार द्वारा इनके खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ, 3 तलाक व कॉमन सिविल कोड आदि में
जो दखल देने की कोशिश की जा रही है तो ये भी अति चिंता की बात है, जिससे हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की इन सब बातों को ध्यान में रखकर व इनके सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी सावधानी बरतते हुए ये चुनाव लड़ते हैं। और इस मामले में खासकर ये लोग इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों के बहकावे में भी नहीं आते हैं। इसके साथ ही विरोधियों द्वारा मैनेज किए गए मीडिया व ओपिनियन पोल एवं सर्वे आदि में भी जबरदस्ती की अपने अपने पक्ष में हवा बनाने वाली इनके खबरों से भी ये लोग गुमराह नहीं होते हैं। तो फिर इस चुनाव में बीएसपी को अकेले ही अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से या फिर कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर सर्वप्रथम यहाँ सपा के गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, अराजक, भ्रष्ट व सांप्रदायिक तत्वों के जंगल राज का सफाया कर दिया जाएगा और ऐसे सभी आपराधिक तत्वों को फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा, जहां इनकी मेरी सरकार में सही व असली जगह होती है। और इधर कमाल फारूखी साहब ने बीएसपी का समर्थन किया है। पहले महासचिव रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के और सपा के पूर्व महासचिव कमाल फारूकी ने बीएसपी का समर्थन किया है। इससे पहले कई उलेमाओं की ओर से भी बीएसपी को समर्थन देने की बात कही गई थी, कई पंडितों की ओर से अभी बीएसपी को समर्थन देने की बात कही गई थी और अब कमाल फारूकी ने भी बीएसपी का समर्थन किया है। सपा सरकार ने मुसलमानों को बेइज्जत किया, कमाल फारूकी ने यह कहा। नोटबंदी को दबाने के लिए सपा ने ड्रामा किया है, बीएसपी को वोट देने की अपील की गई, सपा ने मुसलमानों के साथ धोखा किया, कमाल फारूकी ने कहा। सपा सरकार ने मुसलमानों को बेइज्जत किया है, नोटबंदी को दबाने के लिए सपा ने ड्रामा रचा और मुसलमानों को धोखे में रखा गया है। तो सपा के पूर्व महासचिव रह चुके हैं कमाल फारूकी और ऐसे में बीएसपी का समर्थन, एन वक्त पर समर्थन सपा के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। कमाल फारूकी ने समर्थन किया है बसपा का, उन्होंने कहा है कि सपा ने लोगों के साथ धोखा किया, मुसलमानों के साथ धोखा किया, मुसलमानों से बीएसपी को वोट देने की अपील की गई है कमाल फारूकी की ओर से। इससे पहले कई धर्म गुरुओं की ओर से भी यह अपील की जा चुकी है, बसपा का समर्थन किया जा चुका है और अब सपा के लिए एक बड़ा झटका, पूर्व महासचिव कमाल फारूकी ने बसपा का समर्थन किया है। सीधा सपा पर आरोप ये कमाल फारूकी का कि मुसलमानों के साथ सपा ने धोखा किया, मुसलमानों को धोखे में रखा गया, बेइज्जती की। बीएसपी का समर्थन करने की अपील की है कमाल फारूकी साहब ने। मैनिफेस्टो के अंदर जितनी भी चीजें लिखी थी उसमें से कोई एक चीज भी मुसलमानों के ताल्लुक से, माइनॉरिटी के ताल्लुक से पूरी नहीं की गई। हमने कहा था प्रेशर लगाकर उस्मानी साहब से, हमने सर्कुलर इश्यू कराया था कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन हर कॉरपोरेशन के अंदर होगा, कम से कम एक डायरेक्टर मुसलमानों का होगा। और पीलीभीत में अखिलेश यादव की रैली हुई है, रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन वालों ने लोगों को लाइन में लगा दिया। लोगों के काम पर भरोसा है, जो पिछले दिनों में काम हुए हैं, पिछले वर्षों में जो समाजवादियों ने काम किए हैं, उन तमाम कामों पर लोगों को भरोसा है। अगर कोई तकलीफ बीमारी में परेशानी में अगर फोन मिलाना है तो कम से कम समाजवादी एम्बुलेंस और इस एम्बुलेंस के घर और उनकी मदद करने का काम करते हैं। और लोगों को लाइन में लगा करके कई गरीब लोगों की जान चली गई जो लाइन में लगे थे अपनी मेहनत का पैसा लेने के लिए, अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा लेने के लिए। तमाम लोगों की जान चली गई और जिनकी जान गई उनके परिवारों के लिए एक रुपए से इन लोगों ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की परिवारों के तो समाजवादी लोगों ने 2 लाख रुपए देकर उनकी मदद करने का काम। समय गुजर गया
कोई जनता के लिए काम किया होता बताते, केवल मन की बात की और समाजवादी उन्होंने कम से कम काम की बात की। वो मन की बात करते रहे, समाजवादी लोग काम की बात करते रहे। ये बहुजन समाज पार्टी ये पत्थर वाली पार्टी है, इसने कितनी बार समझौता कर लिया बीजेपी के साथ, कई बार मिलकर सरकार बना ली, त्योहार रक्षाबंधन भी मना लिया, और आज जब चुनाव होने जा रहा है, जब चुनाव होने जा रहा है तो बताओ उनके पास कोई काम हो तो बता दो, कोई काम नहीं जो बता सकेंगे जनता के बीच में। और पीलीभीत से ही बड़ी खबर है, क्या सपा में अपने अध्यक्ष को लेकर कंफ्यूजन है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उन तस्वीरों को देखकर अखिलेश यादव बोल रहे थे सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव उनके पीछे लिखा हुआ था, जबकि अब अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसमें कोई संदेह नहीं रहा, अध्यक्ष पद की लड़ाई में अखिलेश मुलायम को शिकस्त दे चुके हैं। पीलीभीत के समाजवादी खुद कंफ्यूज हैं या मतदाताओं को कंफ्यूज करें, ये तस्वीर देखकर ऐसा ही लगता है। और आगरा पहुंची केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने कहा कि बसपा सपा और कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। उमा भारती ने बुलंदशहर में रेप की घटना पर कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने आरोपियों की जमानत पर आपत्ति नहीं की, रेप के आरोपियों को उल्टा लटकाकर चमड़ी उधेड़कर नमक डालकर तड़पाना चाहिए, रावण की तरह इनकी मुंडी काटकर लंका में आग लगा देनी चाहिए। उमा भारती खेरिया में जनसभा को संबोधित कर रही थी। ऐसे लोगों को जिन्होंने ऐसे दुष्कर्म किए होते हैं, इनको उन्हीं लड़कियों के सामने और महिलाओं के सामने उल्टा लटका करके मार मार के चमड़ी उधेड़कर फिर उस मांस में नमक और मिर्च डाल देना चाहिए ताकि ये तड़पे और इनको तड़पते हुए देखे वो लड़कियां, वो माए और वो बहने। मैंने ऐसा करवाया था जब मैं मुख्यमंत्री थी, जब एक महिला के साथ ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा करवाया था, तो ये कहा गया कि ये मानवाधिकारों के हनन की बात हो रही है। आप मुझे बताइए, मानव अधिकार उसका होता है जो मानव होता है, गोरखपुर में हत्यारों की गिरफ्तारी कब तक? 3 दिन पहले हुए हत्याकांड में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एसपी आवास के पास सौरभ पांडे का मर्डर हुआ था, सीसीटीवी फुटेज के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। चीख चीख कर हत्यारों का नाम बता रहे मृतक सौरभ का भाई वैभव यादव, विक्की यादव, सुनील यादव पर हत्या का आरोप, पैर छूने के बाद दोस्तों ने सौरभ के सीने पर दाग दी थी गोलियां। एसपी आवास के पास ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। विधानसभा चुनाव के समय ऐसी तस्वीरें डराती हैं और ये तस्वीर है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तस्वीरें निकाली गई हैं। देखिए कैसे पहले पास आए दो लोग और उसके बाद एक ने पैर छुआ, एक ने गले लगाया और ताबड़तोड़ 5 गोलियां सीने में उतार दी गई, जिसके बाद सौरभ वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा, लेकिन बचाने की पूरी कोशिश हुई पर सौरभ को बचाया नहीं जा सका। वारदात है, पुलिस के पास फुटेज उसी दिन मिल गई थी, बट अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और हत्यारों का पता भी चल गया है। वो विक्की यादव है और वैभव सिंह है और विक्की यादव का भाई सुनील यादव है। सभी लोगों की पुष्टि हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, पुलिस की तरफ से कोई सक्रियता दिखी नहीं रही है। मैं सदमे में हूँ, मेरा पूरा परिवार सदमे में है कि कहीं किसी और घटना को ना अंजाम हो सब दे दें।